आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बहुत थोड़ा हार्ट के टॉपिक है, मेंटल हेल्थ। क्योंकि मेंटल हेल्थ इतना ज़्यादा अंडर डिस्कस मैटर है हमारी सोसाइटीज़ में ओवरऑल, कि यहाँ इस चीज़ पे कोई ध्यान देता ही नहीं है। चाहे आपका स्कूल गोइंग बच्चा हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, घर में काम करने वाली महिला हो जो घर को संभाल दे, क्योंकि वो भी इजी टास्क नहीं होता, उनको भी इश्यूज़ होते हैं। बट हाँ, कोई डिस्कस नहीं करते इन चीज़ों को, इसलिए इग्नोर किया जाता है और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं डे बाई डे। तो इस वीडियो में हम कुछ टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, या घर में भी अगर आप काम करते हो, ऑफिस वर्क नहीं करते हो, तो उन चीज़ों को आप कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, मेंटल हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तो इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा इंपॉर्टेंट मोटिव यही था, क्योंकि अभी जो न्यूज़ आती हैं यूके से हो चाहे कनाडा से हो, जो इंडियन स्टूडेंट जाते हैं, स्पेशली कनाडा की न्यूज़ आ रही है बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ से वजह से, वहाँ पे क्या हो रहा है। अभी जो बच्चे जाते हैं वो बैचलर्स करने के लिए जाते हैं, प्लस टू करके जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और उनसे स्ट्रेस हैंडल नहीं हो पाता, क्योंकि उनको पढ़ाई भी करनी है, घर वालों ने लोन लिया होता है, पैसे उठाए होते हैं, वो पैसे ही वापस करने होते हैं उनको काम करके। उसके अलावा उनको मेक श्योर करना है कि आने वाले टाइम में उनको PR लेने के लिए उनको काम भी ढूंढना पड़ेगा। वैसा उन्हीं सब पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि वीडियो बनाया जाए। तो वीडियो को एंड तक देखना और लाइक एंड शेयर करना अगर आपको अच्छी लगी वीडियो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे ब्लॉग का आज का, या फिर बोलो इस वीडियो का, कि आपको सबसे पहले अपने को प्रायोरिटाइज करना है खुद को, किसी भी चीज़ से पहले किसी और इंसान को, किसी और एक्टिविटी को। अगर आप खुद का केयर सबसे प्रायोरिटी पर रखोगे तो आपको कुछ भी इशू नहीं आएगा। तो उसमें सेल्फ़ केयर में सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छे से नींद पूरी करनी है अपनी। और आप अगर आपका बिजी स्केड्यूल है, काम पर जाते हो या वो जो भी काम करते हो, उसमें से बीच बीच में ब्रेक लेके आपको, जैसे उठ के पानी पीना वीना, वैसा थोड़ा बाहर आ गया ताज़ी हवा ले ली, वो सब कुछ करना बहुत ज़रूरी होता है। और अपनी डेली रूटीन में मेक श्योर करो आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी वाली चीज़ों को भी इंक्लूड रखो, ताकि आपकी जो मोबिलिटी है वो भी बरकरार रहे, आप अच्छे से अपनी हेल्थ को भी मैनेज कर सको। क्योंकि अगर पूरा दिन आप अंदर बैठे रहोगे, कोई एक्टिविटी नहीं करोगे, तो आपको पता चलेगा ना आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, जब आप वॉक कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उसमें कुछ चेंजेस आ रही नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ें आपकी सेल्फ प्रायोरिटी में आती हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज करने में। सेकेंड पॉइंट है मैनेज योर स्ट्रेस। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, तो आपको स्ट्रेस डेफिनेटली होगा। बट मैटर ये करता है कि आप उस स्ट्रेस को कितने इफेक्टिवली एफिशिएंटली मैनेज करते हो, ताकि आपका जो स्ट्रेस है वो भी मैनेज हो जाए, और आपको उस स्ट्रेस का जो है आपकी लाइफ के ऊपर कुछ ज़्यादा गंदा असर ना पड़े। असर पड़ता है डेफिनेटली स्ट्रेस होगा लाइफ में गोल्स होते हैं, चीज़ें करनी होती हैं आपको, तो वो स्ट्रेस को आप मैनेज कैसे करते हो, उस चीज़ को भी बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और स्ट्रेस को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो, उसमें आप जैसे है कि अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज इंक्लूड कर लिया आपने, मेडिटेशन यूज़ कर लिया, मेडिटेशन करना शुरू कर दिया आपने, या फिर स्लो वॉकिंग एक्सरसाइज होती हैं वो यूज़ करनी शुरू कर दिया आपने। उसके अलावा आप कर सकते हो कि आपका जैसे आपको म्यूज़िक सुन के आपको थोड़ा रिलैक्स लगता है, तो स्लो म्यूज़िक सुन के हेडफोन लगा के रिलैक्स करें, वो सब कुछ आप कर सकते हो इसमें, ताकि आपका जो स्ट्रेस है वो मैनेज हो सके अच्छे से। थर्ड पॉइंट जो है, या थर्ड टिप जो है आपको देना चाहूँगा, जो मैं भी करता हूँ, वो है कि आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, या जो आपके क्लोज पीपल हैं आपकी लाइफ में, उनके साथ अच्छे से कनेक्ट करें। आप कनेक्ट कैसे करें, आप मेक श्योर करें आप अपने जो फ्रेंड्स फैमिली हैं उनसे अच्छे से टच में रहें। जो अगर आप नई कंट्री में मूव हो रहे हो या नई सिटी में मूव हो रहे हो, वहाँ पे मेक श्योर करें आपके अच्छे दोस्त बने। अच्छे दोस्त बनने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी लाइफ में लोग रहेंगे तो आप एक ही चीज़ में बिज़ी नहीं रहोगे, आपको ये पता, आपको दोस्तों को मिलना है, बात करनी है उनसे, घूमना फिरना है, वो सब कुछ को भी आप प्रायोरिटी दे पाओगे अपनी लाइफ में। तो उससे क्या होगा, आपका जो है आप लोगों के टच में रहते हो, आपको चीज़ें नहीं पता लगती हैं, नई घूमने की जगह पता लगती है, वहाँ पर जाते हो, खाना पीना होता है, पार्टी वार्टी होती है, वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है। थर्ड पॉइंट के अंदर हम थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप यूनिवर्सिटी कॉलेज ज्वाइन करते हो,
तो उसमें आप ये भी कर सकते हो कि जहाँ पे कम्युनिटीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो यूनियंस ने थोड़ी बहुत बनाई होती है, जहाँ पे आपके इंटरेस्ट अलाइन हो उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ना जब भी आपको फ्री टाइम हो अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी वर्क, तो वहाँ पे जा सको और आपका जो है ध्यान आपके स्ट्रेस से हट के कहीं और पे डाइवर्ट हो सके। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो वो आती हैं आपके कनेक्ट विद अदर्स पॉइंट थर्ड में आप ऐड कर सकते हो। फोर्थ जो टिप आपको देना चाहूँगा वो ये हो सकती है कि अगर आपको लगता है किसी भी टाइम पॉइंट लाइफ में अपनी पढ़ते हुए काम पे या अदरवाइज इन जनरल लाइफ कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं, आपको बेवजह खाने का मन नहीं कर रहा है, भूख नहीं लग रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, या बहुत ज़रा लेज़ी फील कर रहे हो, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, तो ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं जहाँ पे आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है पॉसिबली। क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता क्या सिम्टम्स है, बट ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो लीड कर सकते हैं आपको मेंटल हेल्थ इशूज की तरफ। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो आप हेल्प सीक आउट करें अपने ऑफिस में या अपनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में ग्रुप्स होते हैं या सपोर्ट देते हैं ऐसे मेंटल हेल्थ के लिए, जहाँ पे आपको चीज़ें बताते हैं आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आपको कोई मेडिकेशन की ज़रूरत हो तो आपको डॉक्टर्स को भी रेफ़र कर सकते हैं, तो वो सीक आउट करें आप जब भी आपको हेल्प ज़रूरत हो। रीच आउट द राइट पीपल, रीच आउट द राइट ग्रुप्स और सोसाइटीज़ इन योर यूनिवर्सिटी, तो ये आपके लिए बहुत अहम हो सकता है अगर आपको लगता है कुछ में से कुछ भी सिम्टम्स आपको हो। किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले आप हेजिटेट ना करें, छुपाएं मत कि अगर आपको कुछ वैसा हो रहा है। अगर आपको ग्रुप से किसी या यूनिवर्सिटी कॉलेज में बात नहीं करनी तो अपने जो फ्रेंड्स हैं क्लोज आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे बात करें। आई नो हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है जो कि देनी चाहिए, बट ये कुछ इशूज़ हैं जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होते हैं और अगर आप इग्नोर करते जाते हैं तो ये बहुत इसके डेंजरस इम्पैक्ट होते हैं फिर आपके आगे लाइफ में जाके। सबसे लास्ट टिप आपको देना चाहूँगा वो होगी कि स्टे ऑर्गेनाइज्ड। आप अपना मेक श्योर करें जितना भी आपका डे है प्लान करने की कोशिश करें, सिर्फ प्लान ही ना करें मेक श्योर करें उसको आप फॉलो भी करें। 100% डे को आपका जैसे प्लान करते हो फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता, बट हाँ थोड़ी बहुत वेरिएशंस हो सकती हैं उसमें, इसके हिसाब से उसको फॉलो करना शुरू करें। आप अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो अभी तो अपने जो असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं उसका एक आप टाइम टेबल बना के रखें, कब तक सबमिट करना आपको, कब कर उसका प्लानिंग शुरू करनी है आपको, कब क्या करना है, और उसके बाद में आप उसमें शेड्यूल में अपने मेक श्योर का फिज़िकल एक्टिविटी के लिए कुछ टाइम निकाल के रखें, जैसे जिम जाना, वॉक करना, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ रखें, या फिर योगा का उसमें शेड्यूल ऐड कर लिया कि योगा करना है 20 मिनट, 25 मिनट, वो सब आप कर सकते हो। जितना आप अपने आप को ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करोगे उतना कम स्ट्रेस होगा, स्पेशली जब आप यूनिवर्सिटी में होते हो इंडिया से बाहर तो वहाँ पे असाइनमेंट्स बहुत सारा होते हैं, तो आपका असाइनमेंट हो गया, लेक्चर्स होते हैं, आप पार्ट टाइम काम भी करते हो वो होता है, प्लस आपको अपना काम भी खुद करना है, घर का नहाना धोना खाना पीना अपना जो कपड़े लत्ते होते हैं वो सब मैनेज करना, तो वो सब कुछ डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप अपना डे प्लान करके चलोगे तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। डे प्लान करने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप एक प्लानर जैसा कुछ ले सकते हो बाहर से फिज़िकली, और अगर आप ऑनलाइन ज़रा प्रेफर करते हो तो ऑनलाइन आप कुछ भी कैलेंडर वगैरह मेंटेन कर सकते हो अपना। तो वीडियो को एंड करने से पहले आपको बताना चाहूँगा मेंटल हेल्थ जो है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वो आम इंसान के लिए जो घर में महिलाएं होती हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ऑफिशियली किसी ऑफिस में काम करते हो, अपना बिजनेस है, उसकी ग्रोथ के लिए भी आपका मेंटल हेल्थ होना सही होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे आई बिलीव आप सक्सेस आपको अच्छे से मिलेगी और आपको जो है आपके आसपास में भी ज़रा कॉन्ट्रीब्यूट कर पाओगे, फैमिली का ध्यान रख पाओगे, खुद का, दोस्तों से अच्छे से मिल पाओगे, तो ये सब कुछ रिलेटेड होती हैं चीज़ें आपके मेंटल हेल्थ से। सो मेक श्योर करें आप जो मैंने आपको टिप्स बताई ये लिमिटेड टिप्स हैं कुछ जो मुझे लगा शेयर करनी चाहिए। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज के सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहाँ पे आपको और ज़रा हेल्पफुल टिप्स मिल सके। बट अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लगी है, टिप्स लगा कि कुछ यूज़फुल हो सकती है, तो वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। और या अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें, क्योंकि ऐसे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कवर करने वाला हूँ और कर चुका हूँ ऑलरेडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।